नो नानी आई डोंट नो हो सकता है वॉशिंग वाले रूम से ही हो वो नानी जी बोलते से भाग गई अरे ऐसा गाना गायब हो जाएगी चन्नी को मेहंदी कौन लगाएगा अरे तुझे आता है मेहंदी लगाना नानी वो क्या है ना हम अभी रेडी से हुए डांसेस करने के लिए अगर हमारा मेकअप खराब हो जाएगा तो हमारी सेल्फी जो है वो खराब हो जाएगी तो नानी जी हम का कह रहे कि हम लगा दें मेहंदी अगर आप कहें तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हम अपनी सौदत को मेहंदी लगाए तो बोलिए ना हमारा नाम आना चाहिए हमारी दुल्हन के हाथ में बनाओ देख होगा तुम है कहाँ मिलने जाना इतनी रात को दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और आपका नाम जो चन्नी के हाथों में उसका था अगर हमने अपने बॉयफ्रेंड्स के नाम लिखवा लिए तो इसमें गलत है आपको क्या प्रॉब्लम बॉयफ्रेंड नहीं है वो तुम्हारे समझी और चलती होने वाली पत्नी हमारी है और वहां सुरक्षा कौन करेगा तुम्हारी और गा तो मैं मेहंदी लगाओ देख ये उसे गायब किया गया है जो हमने किया है सो जैसे कि हमने कहा था आप लोगों से पहले भी जैसे अब दो दिन पहले जब आए थे कि ये जो होने वाला है ये पूरी शादी में हम बहुत सारी गड़बड़ी करने वाले हैं जैसे आपने रिकॉर्ड किया था हल्दी में हमने पॉटी मिला दी थी ताकि वो हल्दी का रसम ना हो पाए मेहंदी में भी हमने कोशिश की थी हमने सारी मेहंदी में ऑयल डाल दिया था कोकोनट ऑयल मिला दिया था ताकि मेहंदी चढ़े ही ना किसी को रचे ही ना तो उस हिसाब से मेरी भी हाथ में किसी और के नाम की मेहंदी रच नहीं पाएगी हमने वो सोचा था लेकिन फिर सारी मेहंदी चेंज करवा दी गई सो अब हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि अब हम करें तो क्या करें तो रानी ने बेवकूफ़ बना दिया मेहंदी वाली को और उन्होंने मुझे जो लगने वाली थी जो मेहंदी जो अमित की छुई हुई मेहंदी थी वो दादी जी को लगवा दी और उनके हाथ में अमित जी का नाम भी लिखवा दिया ये बोल के कि यही दुल्हन है ये अभी बुढ़ी हो गई है लेकिन उनको अपना बचपन का प्यार मिल गया तो वापस से शादी करना चाहते हैं ऑल ऑफ दैट तो दादी जी के हाथ और दादी जी को बहुत ही ऐसे मस्ती होती है कि आप लिखवा लो ना नाम अमित का दादी को कि अच्छा ऐसे लिखवा ठीक है लिखवा लेते तो उन्होंने तो मस्ती में लिखवा लिया था तो उस हिसाब से रस्म उनके ऊपर पूरा हो गया लेकिन बाद में मेहंदी वाली जो है वो प्रॉब्लम खड़ा कर देती जब उसे शक हो जाता है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उसके साथ तो वो बोलती है हमें कि अब मैं सबको बता दूंगी कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे किया है वरना मेरा नाम खराब होगा मैं यू नो मैं सब जगह जाती हूँ मेहंदी लगाने फिर कोई मुझसे मेहंदी नहीं लगवाएगा एंड ऑल दैट तो फिर मैं तो उसे समझाने की कोशिश करी थी मैं उसके पैर भी पड़ी बहुत कुछ किया मैंने लेकिन जब वो नहीं सुन रही थी तो फाइनली जो हमारी रानी भाभी उन्होंने कोकोनट ठाप करके फोड़ दिया उनके सर पर और वो हो गई बेहोश